मार्ला बरेटी जेड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक और आज हम इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जिसे हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये है कार मोबाइल होल्डर। तो वो डैशबोर्ड पे जो अरविंद सिर पे चिपकता है वो वाला मोबाइल होल्डर नहीं है, इसको हैंग करते हैं रियर व्यू मिरर में। इसका लेने का पर्पस ये रहा कि अक्सर वो जो मोबाइल होल्डर होता है जो डैशबोर्ड पे लगता है वो जब कार वैसे रास्तों पे ऊपर खबर रास्तों पे चलती है तो वो छूट के गिर जाता है, जिससे हमारी डिवाइस का डैमेज होने का डर रहता है। लेकिन ये कार रियर व्यू में ये प्रोडक्ट अटैच्ड हो जाता है और इसको हम कार में भी लगा के दिखाएंगे किस तरह का इसका परफॉर्मेंस है और दिखाऊंगा आपको। आइए आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसा रहता है, क्या क्या है इसमें, किस तरह से इसका प्रोसेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ से हमने इसको काटा और देखिए इसमें से क्या निकलता है। ये रहा, देखिए इस तरह का पैकेट होता है, इसमें कुछ नहीं है, ये डब्बा है और इस तरह का ये प्रोडक्ट है। यूनिवर्सल कार रियर व्यू मिरर माउंट, रियर व्यू पे लगता है इसलिए इसका नाम भी रियर व्यू है। तो इस तरह का इसमें से प्रोडक्ट निकलता है। चलिए, और इस पर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है किस तरह से हमें लगाना है। देखिए बाकी तो कुछ नहीं है, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। ये इस तरह से है, क्वालिटी इसका हमें काफ़ी पसंद आ रहा है, अच्छा है। इस तरह से यहाँ पे ये स्क्रू जैसा है, ये टाइट हो जाएगा, देखिए ये टाइट हो जाता है। और यहाँ ये है प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें देखिए ये आपको इधर रोटेट भी हो रहा है, ये आपको रोटेट भी हो रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से इसमें यहाँ पे मोबाइल हैंग होगा, यहाँ पे मैं इसको कार में लगा के दिखाऊंगा। अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से मोबाइल होगा। ये इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ये आपको ऐसे हो जाएगा, आप इसकी मदद से नेविगेशन वगैरह चला सकते हैं। अच्छा है, इसको टाइट करना पड़ेगा पीछे और ये इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये मोबाइल इस तरह से आपको मिरर व्यू मिला। मैं आपको कार में इसको लगा करके दिखाने वाला हूँ कैसा रहता है। बाकी इस तो मजबूत है, मोबाइल को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। तो देखिए इस तरह से मैं हिला के दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी है, उम्मीद है कि अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो ये काफ़ी ग्रिप इसका अच्छा है, पकड़ लिया है। कार में लगाने के बाद इतना हिला रहा हूँ, इससे तो ज़्यादा नहीं हिलेगी गाड़ी, देखिए। तो मैं इसको कार में लगा के दिखाऊंगा किस तरह यह वर्क करता है। तो चलते हैं कार के अंदर, हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के अंदर इस प्रोडक्ट को लेके, और इसको लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। ये यहाँ, वाह आ गया, अच्छा है। ग्रिप तो बैठा लेंगे हम, ये सब कुछ। और यहाँ यहाँ हम मोबाइल को हैंग करेंगे, इस तरह से इसको लगाएंगे। देखिए यहाँ बस कुछ करना नहीं है, जस्ट इसको पकड़ के और इस तरह से यहाँ कर देंगे, हो गया आपका, बस मोबाइल फिट हो गया, कुछ करना नहीं है। और इसकी अच्छी बात है कि ये हमें कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं कर रहा है, काफ़ी परफेक्ट विजिबिलिटी है, हमें सामने की सब कुछ अच्छा दिख रहा है और रीचेबल है। ये रहा मेरा स्टीयरिंग। तो फाइनली दोस्तों हम लोग इस कार माउंट का टेस्ट करने के लिए आ गए हैं ऑन द रोड अपनी गाड़ी को लेकर के, और
दिखाने वाले हैं किस तरह की इसकी स्टेबिलिटी रहती है। काफी खराब सड़कों पे हम लोग इसका टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसका रिव्यू बताएंगे क्या रहता है, कैसा रहता है। तो आइए फ्रंट का व्यू दिखाते हैं और किस तरह से स्टेबल है। पहले मोबाइल में इसमें कैसे लगाया हूँ उसको भी दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको फ्रंट का दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से ये जो हैंगिंग माउंट होल्डर है, कार होल्डर, इसमें देखिए हम मोबाइल को किस तरह से लगाए हुए हैं। और ये टूटी हुई सड़कों पे इसको गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो देखते हैं कैसा ये स्टेबल रहता है या नहीं। बाकी हम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे फ्रंट व्यू का किस तरह से वो आता है। यदि हम ब्लॉगिंग करना चाहें इसमें मोबाइल अटैच करके तो वो कैसा सीन आएगा। काफ़ी सॉरी, सीट बेल्ट वार्निंग है, सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए अक्सर। काफ़ी टूटी हुई सड़क है, इसको हम अच्छी रोड पे भी इसका टेस्ट करेंगे और वो भी दिखाएंगे कि कैसा स्टेबल रहता है। इसमें कंपन हो रहा है लेकिन हल्का फुल्का ब्लॉगिंग आप इससे कर सकते हैं यदि आपके पास कैमरा नहीं है। अरे पार हो जाओ, देख रहे हैं हमारी साइड में बाएं तरफ आए हुए पानी लगा हुआ था, हम कह रहे हैं पार होने के लिए लेकिन फिर भी वो। तो ये सब रोड का व्यू काफी सेफ्टी भी देता है, यदि संयोग कुछ वैसा वाकया हो जाए तो आपके पास एक प्रूफ रहता है दिखाने के लिए। उस यदि आपके गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, डैश कैम जिसे बोलते हैं, डैश कैम है तो काफी अच्छा है। देखिए इसी तरह से इधर के लोग बाइक और साइकिल ड्राइव करते हैं, जहां वहां वहीं रोक देते हैं, आप ही को बच के निकलना पड़ता है क्योंकि अक्सर लोग बड़ी गाड़ी वालों को ही दोष देते हैं। तो इसके लिए ही डैश कैम काफी उपयोगी है, मैं वो भी इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी कार में। तब तक मैं इस कार माउंट का रिव्यू सोचा कि आपको दे दूं कैसा रहता है। इसके साथ एक वाकया भी हो गया और इसमें बच्चा पार्टी को लेकर भी आए हैं हम, घोड़ा घोड़ा कर रहे हैं लोग, दिखाएंगे। आज नाग पंचमी है तो हम इन लोग को नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ नाग देवता का पूजा होता है और छोटा मोटा हाट बाजार में मेले टाइप का लगता है। कोरोना के चलते तो वैसे नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी बच्चे आज के दिन जिद करते हैं तो उनको हमें लाना ही पड़ा। यहीं बगल के छोटी मार्केट है, वहाँ पे एक मंदिर है तो वहीं से घुमा के इनको रिटर्न लाएंगे। और सोचा कि आपको रिव्यू भी मिल जाएगा इस मोबाइल होल्डर का। देखिए ये लोग बच्चा लोग, इन लोग भी जा रहा है मेला वगैरह, मेला तो नहीं लगेगा लेकिन आज के दिन इन लोग को इंतजार रहता है नाग पंचमी के दिन। काफी टूटी सड़कें हैं इधर की, अब इससे खराब रोड और क्या हो सकता है, इसी में हम लोग आए हैं। हमें नहीं पता था कि इतना खराब रोड होगा इधर का। चलो अब आ गए तो गाड़ी जाएगी। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे तालाब है। हाँ। देखिए हमारे यहाँ बिहार में हिंदी भाषा की बहुत तीन चार उपबोलियां हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी और एक दो है मगही, उसके अंतर्गत एक बोली होती है भोजपुरी, वो हम लोग के यहाँ बोली जाती है जिसका प्रयोग ये बच्चे कर रहे हैं। तो मदर टंग है, मातृभाषा हमारे यहाँ की। देखिए सब बच्चे किस तरह से जा रहे हैं। आज के भी समय में ऐसी स्थिति है, ऐसे रोड मिलेंगे आपको बिहार में, पता नहीं क्यों ये चार साल पांच साल से ऐसे ही है। थोड़ा पीछे जाइए,
तरह के, एक इधर लगा दिया, एक दाएं और एक बाएं, मैनेज करके चलना पड़ता है। डैश कैम का भी रिव्यू देंगे जब हम इंस्टॉल कर लेंगे अपनी कार में, तो बताइएगा किस तरह का इसका कंपन तो हो रहा है, इसमें कंपन हो रहा है। वैसे खराब रोड है, ऐसी रोड नहीं है, हालांकि ज्यादा इसका वेट नहीं है भाव, रियर व्यू मिरर है वो काफी स्टेबल है, अपनी जगह पे ही है। पीछे का मुझे सीन काफी अच्छी तरीके से दिख रहा है, और पंद्रह से बीस की स्पीड में मैं चला रहा हूँ इस रोड पे। स्टेबल तो नहीं बोलूंगा, कार माउंट स्टेबल है, कंपन काफी हो रही है, रोड भी काफी खराब है, ऐसा रोड आपको कहीं मिलेगा भी नहीं मुझे उम्मीद है। तो थोड़ी अच्छी रोड मिलेगी तो वहां पे भी इसका रिव्यू करने का कोशिश करूंगा, कैसा वहां रहता है इसका रिव्यू, क्योंकि हर जगह ऐसा ही रोड तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो अच्छा मिलेगा। और जानबूझकर ही हम ऐसे रूट में आए हैं ताकि इसका अच्छी तरह से रिव्यू हो। देखिए हाथ दिखाऊं है, हाँ चलिए कोई बात नहीं, एक नंबर दो नंबर में ही चल रहे हैं, काफी खराब स्थिति है इसका। ये है कि आप यहाँ पे लगा के मोबाइल को आप स्टैंड करके थोड़ी मोड़ी नेविगेशन वगैरह चला सकते हैं यदि आपके कार में टच स्क्रीन नहीं है तो, और कुछ नहीं। मैं अच्छी तरह से इसका ठोक पीट के इसको मैं देख चेक कर लूंगा तभी आप बताऊंगा कैसा है, अभी तो सोना को तपा रहा हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा ठोक पीट के देखने के बाद कितना खरा है। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे लेना चाहिए या नहीं, कैसा है। पानी में तो कोई नहीं जाना चाहता है, हमें ही सब लोग भेजेंगे। देखिए वो भैया काफी समझदार है, और है ऐसा है कि वो हमारे ही गांव के व्यक्ति हैं। देखिए बच्चे लोग जा रहे हैं मेले देखने, वो जो गाने हैं ना जहाँ बाप के कंधों पे बच्चे देखे मेले, देखिए वही सीन है अभी, ऐसा भारत देश है मेरा, वही सीन मुझे दिखाई दे रहा है। मेले के नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं, गाड़ी को हम लोग देख के कहीं पार्क करेंगे और थोड़ा चल कर भी होगा। बच्चे उतावले हो रहे हैं, गाड़ी भी नहीं हमको खड़ी करने देंगे, काफी भीड़ है। देखिए यहाँ थोड़ा ठीक से गाड़ी निकलना होता है क्योंकि बच्चे होते हैं काफी। देखिए देखिए कितना खिलौना लिया है ये लोग, खिलौना के बोझ से दबा जा रहा है। भारी है बाबू, भारी है खिलौना ना। चलो खिलौना रखो डिक्की में, डिक्की में। सब है ना बिग दीरो।
मेन रोड के ऊपर कैसा व्यू आता है मैं दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ ठीक है रोड, इस पे मोबाइल होल्डर का क्या परफॉर्मेंस रहता है, किस तरह का व्यू आता है सामने का, ये आप देख लीजिए। हालांकि उतनी सपाट रोड नहीं है, फिर भी काफी हद तक अच्छी है। तो देखिए किस तरह का व्यू आ रहा है इस रोड पे, और थोड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों पे तो हम आपको दिखा ही चुके, इस रोड का देखिए क्या एक्सपीरियंस रहता है इसका। काफी जर्किन है इस रोड में भी, प्लेन रोड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो ठीक ही है उसके मुकाबले। तो दोनों रोड पे हमने इसका रिव्यू करके देखा है क्या इसका परफॉर्मेंस है, आपके सामने है। बाकी प्रोडक्ट जो अपना लागत है उसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।